लोगों के लिए है जो जो मेरे मार्फत आज हम आपको कह रहे हैं कि उन्होंने भी उस भोगनाडी के प्रखंड से, उस पंचायत से उनको रिजेक्ट करने का काम किया और भारी अंतर से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन जी के पक्ष में मतदान किया। यह सच्चाई है। न जाने कैसी कैसी बातें कही गई, हमारे नेताओं को गालियां दी गई, बाप बेटा परिवारवाद। आप कभी तो शायद कोई परिवार के लोग टुंडी में चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर तो आप कभी नहीं बोलते। 50 से ज्यादा आपके सांसद परिवार से आते हैं, किसी न किसी राजनीतिक परिवार से, उस पर आपकी बातें नहीं आती। लेकिन यहां जिस प्रकार से गंदा किया गया पूरे माहौल को और उसका स्टार प्रचारकों के द्वारा किया, सारा हिसाब किताब कल जनता कर देगी। उन लोगों के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा हम लोगों को पत्र प्राप्त हुआ है, सारी बातें इसमें कही गई। हम लोग भी चाहते हैं कि राज्य प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि लगातार 5 वर्षों तक जिस राजनीतिक दबाव में वो लोग रहे, जिस राजनीतिक सत्ता के अंदर प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी सच को सच बोलने की इजाजत नहीं होती थी, जो पुलिस के अत्याचार पर पुलिस के रिपोर्ट को सही नहीं मानती थी, उस प्रशासन को राजनीतिक प्रेशर से कल मुक्ति मिल जाएगी। कल उनको निष्पक्ष होकर उनके जो सेवा शर्त है, जिनके तहत वो इस प्रशासनिक सेवाओं में आते हैं, पुलिस सेवाओं में आते हैं, उनको पुनः डिस्चार्ज करने का उनको मौका मिलेगा। इसलिए हम लोगों की अपेक्षा है वो किसी भी तरह के प्रभाव या प्रलोभन में कल नहीं आएंगे। और जो बाहर से ईसीआईएल के जो पूरे राज्य के जनता के साथ साथ आप सभी भी उत्सुक हैं, हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लाखों कार्यकर्ता समर्थक वर्ग भी उतना ही धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कल का सुबह जब नियत 6:00 पर होगी, उसके बाद सूर्योदय के साथ साथ जो एक नया प्रकाश पूरे राज्य में विद्यमान होने जा रहा है, उसकी सारी औपचारिकताएं हमको लगता है कि सूर्य अपने साथ साक्षी बनाकर सूर्यास्त के पहले ही सभी चीजों का उत्तर हम लोगों के सामने आ जाएगा। हम लोग जो कार्यकर्ताओं का जो उमंग है, आम जनता के बीच में जो उत्साह, उससे स्पष्ट तौर पर
आज स्थिति में, आज इस निर्णय में है कि कल आपका जो संघर्ष था, इस राज्य के लोगों का जो संघर्ष था, वो संघर्ष लोकतंत्र के सबसे बड़ी जो कसौटी है उस पर खड़ा उतरेगा। जो कंसर्न हम लोगों के थे काउंटिंग को लेकर, इलेक्शन कमीशन के पास हम लोगों ने कल भी, इसके पहले भी हम लोगों ने अपना कंसर्न बताया था, और कल भी जब हम लोगों ने जाकर बताया तो लगातार चुनाव आयोग ने भी उसी स्पष्टता के साथ हमारे कंसर्न को एड्रेस किया या आश्वस्त किया कि जहां कहीं पर भी संदेह हो वहां पर वीवीपैट के जो स्लिप्स हैं, जो वोटेड स्लिप्स हैं, उनका मिलान कर लेना मैंडेटरी होगा। इंजीनियर्स जिनको खासकर सौंपा गया कि वो लोग ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करें, उस पर भी पाबंदी लगे ऐसी मांग हम लोगों ने की है, और उम्मीद है कि वो लोग ऐसा धृष्टता नहीं करें। जो विगत दिनों हुआ आप लोगों ने भी देखा, हमारे नेता राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केवल इसलिए टारगेट बनाए गए हेमंत सोरेन जी कि उन्होंने भाजपा को चुनौती दी। आपको याद दिलवा दें, आपके माध्यम से भाजपा के मित्रों को याद दिलवा दें, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी बरहेट विधानसभा में पटना प्रखंड के धर्मपुर प्रखंड में उनकी सभा हुई थी, और पिछले बार भी उस पटना प्रखंड के धर्मपुर पंचायत से हम लोगों ने चुनाव में बढ़त हासिल की थी, और उस बूथ से भी चुनाव बढ़त हासिल की थी जिसके मैदान में उनका सभा हुआ था। और इस बार भी भोगनाडी में उनका आगमन हुआ, उसी बलहट में उनके कार्यों का बदला ले। पूरे राज्य में कल उत्साह के साथ साथ शांति बनी रहे, हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, मतगणना के अंदर बाहर भी लोग रहेंगे, लेकिन कल सभी शांतिपूर्वक रहें, किसी भी प्रपंच में ना आए, किसी भी उकसावे में ना आए, इसकी भी अपील आज पार्टी की ओर से हम करते हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और कल के नतीजे के लिए आप सभी मीडिया बंधुओं को, खासकर जिन्होंने सतत हम लोगों के साथ सहयोग किया, सबको बहुत बहुत अग्रिम बधाई, और इस राज्य की जनता का जो कर्ज हम लोग पे कल से चढ़ेगा उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाने के लिए हेमंत सोरेन जी ने प्रण लिया है, और इसकी घोषणा हेमंत सोरेन जी
कल जरूर करेंगे, उसके लिए आप थोड़ा इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।